क्या आप भी थक गए हो हेल्थ प्रोडक्ट्स के पीछे पैसा वेस्ट करके? जो हेल्थ प्रोडक्ट्स चमकदार वादे करती है मगर एट दी एंड वो हमें निराश कर देती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। इस वीडियो में पैसे और हेल्थ दोनों को बचाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स बाय स्वाति। आई एम स्वाति, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर एंड सर्टिफाइड योगा कोच। आई हैव मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। फर्स्ट इज अल्कलाइन वाटर गैजेट्स। मार्केट में कई तरह के अल्कलाइन वाटर गैजेट्स मिलते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो पानी को अल्कलाइन कर देते हैं एंड अल्कलाइन वाटर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मगर फैक्ट इज कि हमारे शरीर में स्टमक एंड यूरिन का pH एसिडिक होता है। नाउ स्टमक का एसिडिक pH होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कई सारे एंजाइम्स को डेवलप करता है और वो कई विटामिंस एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। एंड यूरिन का pH एसिडिक होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। मगर जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कलाइन वाटर लेने लगते हैं तो ये स्टमक का pH डिस्टर्ब करता है जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड कई विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप नॉर्मल फिल्टर पानी पीजिए एंड डोंट गो फॉर अल्कलाइन वाटर। सेकेंड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट। मार्केट में कई तरह के फैंसी सॉल्ट मिलते हैं जैसे हिमालया सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड न जाने और कितने। और ये सारे सॉल्ट क्लेम करते हैं कि इसमें मिनरल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। नाउ मिनरल हमें खाने की दूसरी चीज़ों से जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स में से भी मिलते हैं, तो उसके लिए हमें सॉल्ट पे निर्भर रहना ज़रूरी नहीं है। सो सॉल्ट को आप सॉल्ट के तरीके से ही लीजिए एंड इंश्योर कि आप खाने में नमक कम डालें बिकॉज हाई सॉल्ट इनटेक इज लिंक्ड विथ ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी हेल्थ एंड इवन बोन हेल्थ। तो ध्यान रहे, रेगुलर सॉल्ट लीजिए एंड मॉडरेशन में। थर्ड, मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट। 80% मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स आर नॉट दैट बैड, मगर हाँ, जब हम मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स रेंडमली लेने लगते हैं तो विटामिन्स का ओवरडोज हो जाता है शरीर में एंड जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि आप एक बैलेंस डाइट लें जिससे आपको मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो आपको मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। फोर्थ इज प्रोटीन पाउडर। मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए मैं प्रोटीन पाउडर लेता हूँ। प्रोटीन की बात होती है तो प्रोटीन में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्स, पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ध्यान रहे, एक्सेस में प्रोटीन पाउडर लेना इज नॉट एडवाइजेबल क्योंकि वो हमारे किडनी फंक्शनिंग में एंड लिवर फंक्शनिंग में अफेक्ट करता है। फिफ्थ बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डायटिशियन। वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम सोशल मीडिया में रहे कुछ रेंडम एडवाइसेस को फॉलो कर लेते हैं, मगर वो हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कोई क्वालिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन के पास जाके एक कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं जिससे आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होंगे और साथ में आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। सो ऑलवेज एंश्योर यू आस्क द क्वालिफिकेशन of your dietitian and clinical nutritionist. And always remember, आपकी health priceless है। कोई भी random diets, कोई trendy diets, कोई quick fixes, shortcuts, आप बिल्कुल follow ना करें। Always focus on nourishing your body with nutritious food and healthy lifestyle. किट में मिलते हुए कई random health products से आप बच के रहें। If you have any doubt on any health products, drop a comment. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड वीडियोज़। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।